नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के बारे में। तुलसी का रख रखाव कैसे करें, वो मरे नहीं हमारे पास से, तुलसी खराब ना हो हमारी, इस बारे में बात करेंगे। मेरे पास तुलसी रामा भी है, श्यामा भी है, और हनुमान जी को जो तुलसी चढ़ती है मेरे पास, वो तुलसी भी। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये है हमारी श्यामा तुलसी, जिसकी पर्पल से थोड़े से डार्क लीव्स होती है, और ये जो मंजीरी है ये सूख जाती हैं। इन्हीं को हम ऐसे तोड़ करके, ऐसे तोड़ते हैं और ऐसे डाल देंगे, बस इसके पौधे आ जाएंगे ज़मीन पे या गमले में। आप इसको डाल दो मंजीरियों को तोड़ करके सूखने पर, तो ये आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए, ये मेरे पास जो हनुमान जी के पास जो हनुमान जी को तुलसी चढ़ती है, वो हम ये वाली तुलसी, इसके थोड़े से गर्मी में पर्पल से ये जो डार्क है ये ज़्यादा हो जाएंगे, इस तरह से ये लीव्स डार्क हो जाएंगे। इसमें बहुत तेज खुशबू आती है इस तुलसी में, ये हनुमान जी को चढ़ती है। और मैं आपको रामा तुलसी दिखाती हूँ, आइए। ये है रामा तुलसी, सूखी मंजीरी ऐसी होती है। सूखी मंजीरी है ये, इसे आप ऐसे मच लें और आप ऐसे डाल दें, बस इसके पौधे आ जाएंगे। थोड़ी सी मिट्टी को गुड़ाई करिए आप और उस पर डाल दीजिए सूखी मंजीरी, तो उसके पौधे निकल के आ जाते हैं। बहुत आसानी से तुलसी के पौधे आ जाते हैं, और आप फिर उन्हें गमले में लगा लीजिए। तुलसी के पौधे में सबसे पहली बात तो यही है कि आप गमले का चुनाव सही करें। गमले का चुनाव हमेशा 12 इंच से बड़ा या 12 इंच कम से कम शुरुआती गमला होना ही चाहिए, मिट्टी का गमला होना चाहिए। अगर आपका गमला फाइबर का है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो गर्म ना हो, ऐसी जगह में रखा हो कि जहाँ धूप भी हो और हल्की छाया भी, क्योंकि तुलसी में धूप तो बहुत ज़रूरी है पड़ना, पर अगर गर्मी के दिन है तो धूप ज़्यादा पड़ेगी तो पॉट गर्म होगा और फिर तुलसी की जड़ें नुकसान पहुँचेगा तुलसी की जड़ में, तो इस तरह इसके कारण भी तुलसी हमारी सूख जाती है। दूसरा कारण ये रहता है कि हम जो तुलसी लगाते हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं। तुलसी का गमला है सूखा लग रहा है तो पानी डालें, अगर आपने ज़मीन में लगाया है मिट्टी सूखी लग रही है तब पानी डालें। और ये बात ज़्यादा ध्यान देने वाली ठंड में बहुत है, ठंड में वैसे ही मौसम बहुत ठंडा होता है, ठंडा मौसम में तुलसी वैसे ही ख़राब होती है, तो इसलिए ठंड के मौसम में आपको ध्यान देना होगा कि ज़्यादा पानी ना डालें। अगर ठंड में पानी ज़्यादा डल गया तो तुलसी आपकी बिल्कुल पक्की बात है कि बचेगी नहीं, उसमें ठंड में फफूंदी सी आने लगती है पत्तियों के ऊपर, मुड़ने लगती है पत्तियों और पौधा मर जाता है। तो इसलिए ठंड में आप ध्यान रखें कि पानी जब सूखा लगे गमला या ज़मीन तभी पानी डालें। उसके बाद तुलसी में तीसरी बात यह है ध्यान देने की कि इसमें ज़्यादा खाद वाद की ज़रूरत पड़ती नहीं, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो गुड़ाई करें और गोबर खाद डालें। और एक दूसरा तरीका यह है कि 15 दिन में, महीने में एक बार आप गोबर का जो कंडा उपला कहते हैं वो आता है, तो एक छोटा सा पीस, इतना बड़ा पीस ले लीजिए, उसको एक गिलास पानी में डुबा कर रख दीजिए 24 घंटे के लिए। अगले दिन क्या होगा कि वो पानी रेड रेड हो जाएगा, फिर आप उसे 15 दिन में एक बार यूज़ करिए, आपकी तुलसी बहुत बढ़िया घनी हरी भरी रहेगी। और गर्मी में आपको रोज़ पानी डालना है, मतलब तुलसी में ज़रूरी है कि आप मौसम का ध्यान रखें, कि बारिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं, बारिश में तो बहुत उसके बीज गिरेंगे, मंजीरियाँ जिन्हें कहते हैं वो गिरेंगे और ढेरों तुलसी हो जाएंगी। मेरे गार्डन में बहुत तुलसी, हर कहीं तुलसी है, तो बहुत आसानी से तुलसी लगती है। तुलसी में कोई खास रख रखाव की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही बहुत लगती है। तो बारिश में आपको कुछ ध्यान देना नहीं है, गर्मी में आपको ध्यान देना है कि आपको रेगुलरली पानी डालना है, गुड़ाई करना है समय समय पर, और ठंड में आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठंड में ही विशेष ध्यान रखना है तुलसी का, कि उसमें आपको धूप पूरे टाइम पड़ना चाहिए और पानी कम डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और खाद के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि गोबर खाद और गोबर के जो उबले उपले बनते हैं
कंडे बनते हैं उनको आप 24 घंटे के लिए भिंगा कर रख दीजिए, फिर छान करके रेड पानी हो जाता है वो डालिए 15 दिन में, महीने में एक बार, आपकी तुलसी बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप तुलसी चाहते हैं कि अच्छी बड़ी हो, 4-5 फुट तो हो ही जाती है तुलसी, और घनी हो, बुशी हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप ऊपर के हिस्से में तुलसी के पिंच करें, ऊपर ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं उनको पिंच करते रहें, मंजीरी हटाते रहें। मंजीरी रहेगी तो वो बढ़ेगी नहीं, और ये पिंच जो करेंगे आप पत्तियों को, तो उससे वो बुशी होते चला जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। बस यही कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हम भगवान नहलाते हैं, अभिषेक करते हैं, दूध दही ये वाला पानी जब हम गमले में डाल देते हैं, या ज़मीन में भी लगा है आपका तुलसी का पौधा, हम ये पौधे में ये पानी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी पौधे में चींटियाँ होंगी और पौधा मर जाएगा। और अगर आपके पौधे में चींटियाँ हो गई हैं या किसी भी प्रकार का कीड़ा हो गया, हालांकि तुलसी में होता नहीं है पर हो गया है, तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 4 से 5 चम्मच आपके जो छोटे स्पून आते हैं खाना खाते हैं जिससे अपन, तो उस चम्मच से 4 या 5 चम्मच हैंड वॉश डालिए, और 1 चम्मच उसमें डालिए आप नीम ऑयल, 1 चम्मच डालिए सरसों ऑयल, अच्छा शेक करिए और पूरे पौधे में स्प्रे कर दीजिए। और ये तुलसी ही नहीं, हमारे शेवंती लग रही हैं, गुलाब लग रहे हैं, ये सभी में जिसमें भी इस प्रकार के काले कीड़े चींटियाँ होती हैं, सब्जियाँ फल फ्रूट मतलब हर एक पौधे में आप इस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको स्प्रे किया है, आपका जो लिक्विड है वो बढ़िया तैयार होना चाहिए। अगर आपने कंजूसी कर दिया, फेस आना चाहिए जब आप स्प्रे करो पौधे के ऊपर, तो उसमें फेस आना चाहिए, इतना अच्छा उसमें हैंड वॉश डलना चाहिए। मैं पतंजलि का हैंड वॉश यूज़ करती हूँ, और मार्केट में तो कई प्रकार के हैंड वॉश हैं, तो मेरा अनुभव तो अच्छा रहा है वो जो मैं लिक्विड बनाती हूँ पौधों में। मैंने आपने मेरा पिछला वीडियो देखेंगे मिर्ची का, तो उसमें मैंने यही स्प्रे बनाकर डाला है और कोई चींटी नहीं उसमें, अभी तक फल रही है, बढ़िया फल रही है वो, तो ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं बता रही हूँ। अब इस तरह से सबसे ऊपर का जो छोर है उसको पिंच करें ऐसे, तो इस तरह से आपका बुशी होगा प्लांट। और जैसे ये मंजीरियाँ आती हैं, इन्हें भी आप हटा लें समय समय पर, ये मंजीरियों को हटा लें ऐसे, तो ये आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी होगा। तुलसी का पौधा पूजनीय इसलिए है क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर है, इसमें हम सर्दी जुकाम खांसी इसके लिए इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाते हैं, और जैसे हमारा पानी है पीने का स्टोर किया रखते हैं हम, उस पर भी हम इसकी पत्तियों को डाल दें तो शुद्ध रहता है पानी। और अगर मुंह से दुर्गंध आ रही है तो आप इसकी पत्तियों को मुंह में रख लें और चूसते रहें तो दुर्गंध दूर हो जाएगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन कारण था, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 11 सारी थी और मैं लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में, तो लोगों को तुलसी के बारे में जानना था कि तुलसी हमारी क्यों मर जाती है, क्यों ख़राब हो जाती है, उसकी देखरेख कैसे करें, तो कमेंट आ रहे थे मेरे पास। मेरे घर के सदस्यों ने भी कमेंट किए और बाहर से भी कमेंट आए कि तुलसी के बारे में बताइए, तो सॉरी मैं लेट हो गई, पर फिर भी आगे तो आपको ये जानकारी काम आएगी ही, आप मेरी इस जानकारी को उपयोग करिए, आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी और स्वस्थ रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते। And don't forget to like, share, comment and subscribe.